फ्रेंड्स, आपका स्वागत है राधा रेसिपी किचन में। और आज मैं बनाने जा रही हूँ नींबू पाउडर शिकंजी, जो बहुत जल्दी से बन जाती है और परफेक्ट तरीके से ही बनती है। तो ना नींबू निचोड़ना, ना नींबू, ना पानी में चीनी घोलना, बस पाउडर डालिए और नींबू शिकंजी तैयार। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने चार से पांच छह नींबू लिए हैं। नींबू इस तरह की होनी चाहिए। और मैंने चीनी ली हुई है, इस कटोरी से मैंने चार कटोरी ली हुई है। अब करना क्या है, मुझे इस तरह की गहरी थाली लेना है। गहरी से थाली होनी चाहिए, इनकी जो किनारी होती है थोड़ी ऊंची होनी चाहिए। तो इसमें मैंने चार कटोरी चीनी डालेंगे। अब ये मैंने नींबू ली है, नींबू को काटना है और इनका रस निकालना है। अभी मैं आपको दो नींबू का बना के दिखा रही हूँ। देखिए, मैंने ऑलरेडी पहले से इसको तैयार कर ली थी और मैंने इसको चार कटोरी चीनी है और आधा कटोरी नींबू का रस है, जो पांच से छह नींबू के रस नींबू से निकाला हुआ है मैंने। तो इसको मिक्स करना है इसमें, और ऊंची किनारी की थाली होनी चाहिए, इस तरह की ऊंची किनारी की थाली होनी चाहिए। तो मेरा छह दिन हो चुके हैं, छह दिन में मेरे को इतना कम्प्लीट हुआ है, इस तरह का हो गया है ये कम्प्लीट। इसका इस तरह ड्राई होना, इसको धूप में बिल्कुल नहीं रखना, अगर धूप में रखोगे तो बिल्कुल पिघल जाएगा, ये सिरप बन जाएगा, शुगर सिरप की तरह बन जाएगा। तो इसको मैंने बिल्कुल पंखे की हवा में ही सुखाया है। मैंने दो नींबू लिए, अब मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह बनाना है। दो नींबू लिए हैं मैंने, और दो नींबू में मैं चार चम्मच चीनी डाल देती हूँ और फिर इसको इस तरह मिक्स करना है। बिल्कुल इस तरह रहेगा आपका, और बिल्कुल चलाना नहीं है इसको ज्यादा देर तक। अगर आप बार बार चम्मच से चलाओगे तो ये बिल्कुल सिरप से बन जाएगा। और चीनी जब अपन सात से आठ घंटे बाद इसको चलाना है, इस तरह रखना है थाली में। मैं थाली में रख के दिखा देती हूँ आपको। इस तरह मैं चार चम्मच का बनाया, मैंने पूरा इस तरफ से फैलाना इसको। मैंने कमी चीनी से बनाया क्योंकि मैंने पहले बना के रख लिया है। तो आपको इस तरह फैलाना इसको, और इसको सात से आठ घंटे बाद इसको चम्मच से चलाना है, बार बार नहीं चलाना इसको। अगर बार बार चलाओगे तो ये बिल्कुल शुगर सिरप की तरह मिक्स हो जाएगा, और इसको धूप में भी बिल्कुल नहीं रखना है, ठीक है। अब मैं शुगर पाउडर में शिकंजी पाउडर बनाना बताऊंगी आपको, इस तरह रखना बस। अब मैं इसको मिक्सी में पीस के दिखाती हूँ कैसे पाउडर बनता है, बिल्कुल ऐसे बन जाता है पाउडर। ये मिक्सी में पीसना है और इसको लगातार नहीं चलाना है, रुक रुक के चलाना है। देखिए, मैंने पूरी पीस चुके हैं चीनी, पीसने के बाद इस तरह हो जाएगी, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे ग्लूकोज हो। और बस नींबू पानी बिल्कुल तैयार हो गया है। आप जल्दी से बस नींबू चार गिलास पानी लो, दो गिलास जितना भी आप बनाओ उतना। अब इसको भी इसी में डाल देते हैं। आप बिल्कुल एक साल तक भी स्टोर कर सकती है इसको एयर टाइट डिब्बे में। वैसे तो मिनिमम इसमें चार से पांच दिन लग जाते हैं ये चीनी नींबू शिकंजी बनाने में, लेकिन थोड़ी सी मौसम चेंज हो गया है तो इसलिए मेरे छह दिन लग चुकी है। अब नींबू शिकंजी बनाते हैं। सबसे पहले पानी डालिए गिलास में,
आप सेंधा नमक भी ऐड कर सकते हैं इसमें, लेकिन मैं सेंधा नमक इसलिए डाली, कोई पसंद करता है सेंधा नमक खाना नींबू में, नींबू शिकंजी में कोई नहीं पीता है शिकंजी में सेंधा नमक, इसलिए ये सेंधा नमक आप ऊपर से मिलाइए तो बिल्कुल कभी भी आप व्रत में भी इसको पी सकती हो। तो अब इसको एक एक चम्मच, एक गिलास में एक चम्मच, और इसमें बस गीली चम्मच न डालें, इसको कांच के उसमें भर के रख दिए। देखिए मेरी नींबू पानी तैयार हो चुकी है, नींबू शिकंजी, ना चीनी घोलने का झंझट, ना नींबू निचोड़ने का झंझट, बिल्कुल परफेक्ट नींबू पानी बना है। देखिए नींबू शिकंजी तैयार हो चुकी है, बस मिक्स करना है इसको। कितनी जल्दी बन जाती है, देखो कितनी जल्दी बन गई है। अब इसमें आइस क्यूब डाल दो, देखिए मेरी नींबू शिकंजी तैयार हो गई है और पाउडर भी मेरा तैयार हो चुका है नींबू शिकंजी का। तो ये पाउडर आपको बहुत अच्छा लगा होगा, नींबू शिकंजी का पाउडर बहुत ही पसंद आया होगा। तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।